तो यूक्रेन च फसे विद्यार्थियों की मापी परेशान ने जिथे भी मदद की किरण विखाई दिंदी है उत्थे पहुंच के फरियाद कर रहे हैं। अजिही कई विद्यार्थियों की मापे दिल्ली पहुंचे जिथे उन्हें विदेश मंत्रालय के बाहर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान साढ़े सहयोगी हरप्रीत बंदेशा ने विदेश च फसे बच्चों के नाल भी गलबात की उत्थे दे हालात बारे जाने। मैं इस वे विदेश मंत्रालय के बाहर ही मौजूद हाँ जिथे कि पेरेंट्स ने असं तुम्हें सीधा लाइव तस्वीर दिखाने कि वीडियो कॉल से एक बच्ची मौजूद है तो उन्होंने पिता भी मौजूद ने। सर कि किस जगह है बेटी? बेटी खारकीव में है जी इस समय। और खारकीव गल करा सकोगे? हाँ हाँ आप बात करो। ऋषि आप कहाँ पर है इस टाइम? हम खारकीव में हूँ और मेट्रो स्टेशन के अंदर हूँ अभी। तो अभी अभी क्या हालात है उधर? बोला गया कि अंडरग्राउंड रहना। मैं वीडियो कॉल पे दिखाती हूँ। अभी हम सब ऐसे रह रहे हैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के अंदर। नहीं वहाँ के हालात क्या? आप लोगों के पास पैसे खाने की चीजें हैं उधर? खाने का हमने पैक फूड रखा हुआ था अभी, बट वो खत्म होने लग गया है। और पानी के बॉटल्स वगैरह हम सबने रखी हुई। और उधर गोलीबारी हो रही है क्या उस इलाके में? फायरिंग की आवाज तो आ रही है पर अभी जिधर हम एरिया में आसपास अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, बट बॉम्ब्स वगैरह के एक्सप्लोजन जो भी हो रहे हैं उसकी आवाज आ रही है हम लोगों को। सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट मिली? सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया? कोई बात हो पाई? गवर्नमेंट की तरफ से खारके वाले लोगों के लिए तो कुछ अभी एज सच कुछ मिला नहीं है हमको, क्योंकि खारके बिल्कुल ईस्ट साइड पड़ता है और हम लोग मतलब इवैक्यूएशन हो भी रही है तो पोलैंड हंगरी और रोमानिया की साइड से हो रही है, तो हम वहां तक ट्रेवल भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे खारके के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ बंद है तो हम लोग ट्रेवल नहीं कर सकते। आप लोगों की बात हो रही है लगातार हालात, अभी फंसे हुए हैं बच्चे भी? जी बच्चे फंसे हुए हैं बिल्कुल, और बच्चों ने इतना हौसला बनाया हुआ है, मैं उनके हौसले की दाद दूंगा कि ऐसे हालात में हमारे हौसले टूटे हुए हैं। एटीएम उत्थे काम ही नहीं कर रहे, पेरेंट्स से तो पैसा भेज देने एटीएम के थ्रू, एटीएम उत्थे काम नहीं करते पे। यह टोटल जो इस वे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है ना इंडिया के वास्ते और इंडिया के बच्चों वास्ते और उन्होंने पेरेंट्स वास्ते, ये कितने ना कि साड़ी सरकार की नाकामी जिम्मेदार है, लापरवाही इन्होंने दिखाई है। बेटा नाम की बेटी का? रिया। बेटा क्या हालात है अभी उधर? बहुत खराब है इधर, खराब ही चल रहे हैं। सुबह भी अभी हम लोग मेट्रो से जब वापस आए थे अपने फ्लैट पे, तो जैसे ही हम लोगों ने फ्लैट में एंटर किया था सुबह 6 बजे के आसपास, यहाँ पे फिर से बमबारी शुरू कर दी गई है। आप भी खारकीव में ही हो? हाँ जी मैं खारकीव में ही हूँ अभी, खारकीव में नियर टू द बॉर्डर ही हूँ मैं भी, मेरा घर। खाने पीने का, खाने पीने की क्या हालात है? खाना पीना है आप लोगों के पास? क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी मॉल में जाते हैं, यहाँ पे हमारे घर के पास ही मॉल है एक, तो किसी भी मॉल में चले जाते हैं तो रशियन हमसे पहले ही उठा लेते हैं, रशियन यूक्रेनियन जितने भी लोग हैं यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं तो वो लोग हमसे पहले ही उठा लेते हैं खाना पानी, तो हम लोगों के लिए अगर बनता है तो मिलता है। आप फ्लैट में या बंकर में? अभी फिलहाल मैं फ्लैट में आई हुई हूँ सर, क्योंकि यहाँ बंकर्स में ना तो पानी की फैसिलिटी है ना वॉशरूम वगैरह है, तो हम लोग पिछले 2 दिन से बंकर में फंसे हुए थे, तो हम लोगों को वॉशरूम यूज करना था तो कोई ऑप्शन नहीं था तो वापस से फ्लैट में आना पड़ा। बहुत बड़ी बच्चों वास्ते प्रॉब्लम है, खासकर बेटियों वास्ते तो बहुत ज्यादा समस्या है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल परेशानी है, और हमारे तो सरकार से प्रार्थना है जितना जल्दी हो सके इन बच्चों को वहाँ से निकाले, किसी भी तरह से निकाले। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं सरकार से कि छोटे छोटे कोई बच्चे हमारे जो इतने बहादुरी से वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये भी इन बच्चों की बहादुरी है कि इतनी हिम्मत ये दिखा रहे हैं। हमें भी जो है कहते हैं कि मम्मी परेशान मत हो, पापा परेशान मत हो, लेकिन परेशानी अपनी जगह पे है। यूक्रेन च फसे